वेलकम इन गरिमा श्रास किचन। आज हम पाइनएप्पल का रायता बनाना सीखेंगे। हम एक एक रायता खाकर बोर हो जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे पाइनएप्पल का रायता मिल जाए तो सबसे पहले डिमांड हमारी पाइनएप्पल रायता खाने की ही होती है क्योंकि वो स्वीट होता है। तो चलिए रेस्टोरेंट जैसा पाइनएप्पल रायता बनाना हम स्टार्ट करते हैं। पाइनएप्पल रायता बनाने के लिए हम लेंगे 300 ग्राम दही, हमने पाइनएप्पल के 2 पीसेस कर लिए हैं, 1/4 कप चीनी, काली मिर्ची और 1/4 कप ही पानी लेंगे। पाइनएप्पल की जो हमने स्लाइस लिए है इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। पाइनएप्पल के हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं चॉपर से। अभी इसके ध्यान रहे कि इसके पीसेस छोटे छोटे ही रहने चाहिए। गैस ऑन करेंगे और पैन रख देंगे, 1/4 कप पानी डालेंगे और 1/4 कप ही चीनी डालेंगे। इसको हिला लेंगे। चीनी हमारी गलने लगी है, अब इसमें पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीसेस जो हमने किए थे वो डाल देंगे। अब इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़े पक ना जाए, इसका कलर चेंज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। और हमें लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है। पाइनएप्पल हमारा यहाँ पे पकने लगा है, हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है, इतना ही पकाना है कि बस ये थोड़ा सा कट हो जाए। इसको हम मैंने 5 मिनट तक पकाया है और ये पक चुका है, देखिए। इसको मैं कट करके दिखाती हूँ और गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब इसको बाउल में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल को बाउल में निकाल लिया है। अब इसको पूरा ठंडा होने के बाद ही दही में मिलाएंगे। आप इस पाइनएप्पल पेस्ट को एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं ताकि जब भी आपका पाइनएप्पल रायता खाने का मन हो आप इसे काम में ले सके। याद रखिएगा, पाइनएप्पल रायता खाने से कुछ देर पहले ही इसे दही में मिलाएं, ज्यादा समय तक छोड़ने पर ये खट्टा हो सकता है। दही में हम पाइनएप्पल मिला लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा यहाँ पे दही एकदम मीठा है। अब इसमें हम काली मिर्ची डालेंगे। पाइनएप्पल रायता हमारा सर्व करने के लिए रेडी है। इसमें हमने काली मिर्ची इसलिए मिलाई है ताकि इसका टेस्ट दुगना हो जाए। ठंडा ठंडा कूल कूल अब हमारा ये रायता खाने के लिए रेडी है। पाइनएप्पल रायता एक बार जो भी खाएगा उसको दोबारा खाने का मन करेगा क्योंकि ये बहुत स्वीट और टेस्टी होता है। आपको ये पाइनएप्पल रायते की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।